अच्छा हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं, तो चलिए ये देखिए पार्सल आया है दोस्तों हमारे पास, जो कि हमने गूगल पे से बुक किया था थर्ड पार्टी ऐप से। काफ़ी रिस्की होता है लेकिन ये हमने फिर भी कर दिया था, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। वैसे मैं बता दूं इसमें जो निकलेगा, इसमें हमने एक कैबिनेट मंगाई है जो कि एम्पलीफायर की, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आई है बहुत ही अच्छी आई है, ऐसी फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे भी नहीं है जैसे इन लोगों ने ये बिल्ड क्वालिटी दी है। तो जिस ऐप से मैंने ये मंगाया है तो उसका नाम है जियो स्टोर, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो दोस्तों चलिए मैंने इसे कर लिया है ओपन। ये देखिए काफ़ी हैवी पैकिंग दी है इन्होंने, थर्माकोल लगा के दिए ताकि वेट डैमेज ना हो। और ये देखिए काफ़ी हैवी बॉडी है, और उसका वेट भी काफ़ी 1.25 किलो के या 1.5 किलो के समथिंग है। चलिए बॉक्स को रख दे साइड में, अब चलिए इसे भी करते हैं अनबॉक्स। ये देखिए, तो मैं इसे भी पेपर को इसके ऊपर से हटाऊंगा, तो चलिए मैं इसे हटा रहा हूँ, फिर देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग कैसे निकलती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए कितनी बेहतरीन ऑसम क्वालिटी है दोस्तों, दिल खुश हो गया मेरा तो इसको देखकर, बहुत ही अच्छी क्वालिटी दी है इन लोगों ने। मेटल भी बहुत हैवी है, तो देखिए दोस्तों काफ़ी हैवी मेटल है, और इसमें ऊपर एयर के लिए भी दिया गया है। ये देखिए, चलिए इसकी ये साइड पैनल है, तो सामने का फ्रंट पैनल, तो देखिए दोस्तों इसका फ्रंट पैनल है। ये देखिए पीछे फैन और सॉकेट वगैरह लगा सकते हैं, और आगे फ्रंट पैनल लगेगा इस पर, इसका आगे फ्रंट पैनल लगेगा। और ये इसका कवर है ऊपर का, तो देखिए हमने ऊपर का कवर हटाया तो बहुत हेवी है ये, काफ़ी अच्छी दी है इन लोगों ने, ऑसम क्वालिटी। तो चलिए फ्रंट पैनल का देखते हैं कैसा निकलता है। देखिए फ्रंट पैनल, वाह बहुत ही अच्छा है और काफ़ी हेवी है। ये देखिए कम से कम 2.5 सूत का है ये। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है बॉडी, जी टेक कंपनी का लोगो लगा हुआ है इस पर। और ये देखिए पीछे पेन का भी जगह है, और इसकी काफ़ी अच्छी है